रंग अभी सुबह देखा तो इतना बड़ा पतीला नादिया ने उठा के चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, तो मैंने पूछा इसमें क्या है इतने बड़े पतीले में। कहती है आप उधर खरात पे चले गए थे तो बच्चों ने जिद कर ली, तो मैं बड़े पतीले में क्या है। रात हमने ना पुलाव बनाया था। मैं कहाँ गया था? आप तो खराब पर। माशाल्लाह जी, अभी जो है काम जो है कुछ बैठ गया। आप तो कम हो गए ना, मटका तो मैं हूँ। हाँ, इतना मोटी पली पड़ी है। मैंने की है, पूरी जिंदगी मेरी गुजर गई इस माल मवेशी में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना जो है वो खा लिया है, चावल भी खा लिया। देखें जी, अभी पतीले वगैरह जो है वो आ चुके हैं जी नलके के। माशाल्लाह जी, इधर कपड़े जो है वो कुछ निकाल लिए हैं, एक बोर धुलाई हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, और क्या हाल, उम्मीद करता हूँ साहब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है जैसे आप देख रहे हैं, तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हैं वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, उसके बाद चलेंगे व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता जो है हमारा बन रहा है। हाँ जी, नाश्ता जो है वो बनाया जा रहा है। ये देखें आग जो है वो सुबह सुबह बहुत तंग करती है, जलती नहीं है। तो ये शापर वगैरह रखे हुए हैं, इसके साथ ना इब्राहिम लगा रहे हैं, तो देखते हैं भाई हमारा नाश्ता कब तक तैयार होता है जी। इतना बड़े पतीले में क्या है? रात हमने ना पुलाव बनाया था। मैं कहाँ गया था? आप तो खराब पर गए थे। अच्छा, तो बच्चों ने जिद कर लिया था कि अम्मी हमें ना पुलाव बना कर दे, तो फिर मैंने पुलाव बना दिया था। अच्छा, इतना बड़े पतीले में? छोटा पतीला तो है नहीं, तो फिर बड़ा पतीला ही आता है, यूज करना पड़ता है। अच्छा जी, अभी भी इसमें चावल है? एक किलो बनाती हूँ, सुबह भी खाते हैं और शाम को भी खाते हैं। मुझे तो पता भी नहीं है आपने इतना बड़ा पतीला जो है वो धूसा हुआ है चावलों का। रात तो आपने रोटी खाई भी नहीं थी। मैं उधर से खरेस से आया था ना, शाम रात 8 बजे तो पहुँचे। मैंने तो आपसे पूछा है कि आपने खाना खाना है, आपने कहा नहीं मुझे नहीं खाना। तो फिर हम क्या, जब आप खाते नहीं थे तो आपको बताते कैसे? सही सही, ये क्यों उतार दी? हाँ, ये जर्सी क्यों उतार दी? अभी आपको गर्मी हो रही थी। हाँ अच्छा जी, प्रेम को हो रही थी गर्मी, इन्होंने ये जो है उतार दी है जर्सी, अभी ऐसे जो है खड़ा है। आपने चावल खाने हैं या रोटी खानी है? ये चावल। चावल खाने हैं, रोटी नहीं खानी? खानी है। हाँ खानी है। रोटी भी खानी है, चावल भी खाने हैं, दोनों चीजें खानी है। इब्राहिम कहता है जी चावल भी खाने हैं और रोटी भी खानी है। सुबह सुबह जब उठे ना तो पहले हमने चावल खाए, फिर बेबो आ गया, फिर बेबो से जाके हमने चावल बनाए थे, उन्होंने कहा आप ना मम्मा से ले आओ, हम इकट्ठे खाएंगे, तो फिर मुझसे दोबारा ले गए, फिर बेबो और इसने दोबारा खाए। अच्छा, अब भी कह रहा है जी मैंने चावल भी खाने हैं और रोटी भी खानी है। कैसे हो ऐसे? ऊपर बात करो, सामने होके बात करो ना, सीधे होके बात करो, सीधे होके बात करो। हाँ, चावल खाने हैं या रोटी खानी है आपने? ये चावल, ये रोटी, दोनों चीजें खानी है। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा? हाँ मैं भी खाऊं, चलो ठीक है। ये देखें जी, पानी रखने की जगह जो है नादिया ने ढूंढ ली है, इधर रख दिया है जी पानी, और इधर जो है हमारा बड़ा पतीला जो कि इन्होंने रात बनाए थे चावल पुलाव वाले आलू वाले, तो मैं जो है वो चला गया था खैरात पे, जो हमारा जो सोत्र है ना उसके खैरात थी, तो अहमद भाई जैसे इधर नहीं थे, तो मैं जो है गाड़ी लेकर अहमद भाई वाली अब्बू को भी साथ ले गया था उधर खरेत पे, तो उधर से रात जो है हम लेट आए हैं घर, तो अभी सुबह देखा तो इतना बड़ा पतीला नादिया ने उठा के चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, तो मैंने पूछा इसमें क्या है इतने बड़े पतीले में। कहती है आप उधर खरेत पे चले गए थे तो बच्चों ने जिद कर ली, तो मैंने जो है चावल बना के दे दिया। अभी ये चावल जो है रात के बच्चे पड़े थे, अभी इनको गर्म किया है, ये देखें गर्म करके अभी जो है प्लेट में डालते हैं और खाना जो है स्टार्ट हम करेंगे सुबह का नाश्ता, वो भी चावलों के साथ।
और रोटी भी बनाई है, जिसने रोटी खानी है वो आ जाए रोटी खाए, जिसने ये आलू मटर वाला पुलाव खाना है वो आलू मटर वाला पुलाव खाने के लिए आ जाए। कैसे नादिया जी? ऐसे सही कहा है ना जी? बिल्कुल ठीक कहा है। तो आ जाए फिर, बिस्मिल्लाह करते हैं। इब्राहिम साइड पे हो, सीधे हो, सीधे हो। हम अपनी ना पुलाव खाते हैं, आप भी खाओगे क्या? जी। आपने खाना है जी। चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं, खाते हैं। इधर हमारा गिलास भी आ चुका है, पानी भी, और हम बिस्मिल्लाह करते हैं और खाते हैं खाना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना जो है वो खा लिया है, चावल भी खा लिया है। अभी बारी आ रही है जी चाय की, तो देखते हैं कितनी देर में जो है वो चाय हमें मिलती है। नादिया से पूछते हैं, आपने साथ रहना है, वीडियो सब पैक नहीं करनी। नादिया से पूछते हैं, हाँ जी चाय तो ओके है? ओके भी हो गई जी। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खाना शुरू किया था ना, तो मैंने ना चूल्हे के अंदर ये देसी रख दी थी। अच्छा। गारे पड़े हुए थे, मैंने कहा चाय गर्म हो जाएगी तो फिर पी लेंगे। माशाल्लाह जी चाय भी हमें मिल चुकी है, खाना जो है वो हमने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखते हैं जी आगे वाला कौन सा टॉपिक है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह जी इधर कपड़े जो है वो कुछ निकाल लिए हैं, एक बूट धुलाई हो चुका है नादिया, और जो है मशीन में डाल रही है कपड़े। डाल रही हो जी? क्यों धुलाई करने हैं? क्यों क्यों क्या? अच्छा जी, धुलाई करने हैं। तो जी ये देखें, ये धुलाई हो गए हैं, अभी इसको मोटर चला के धोएगी जी, तड़ा के ऊपर सुखाएगी जी, और बाकी का जो है मशीन में पूरे एक डाल दिया है। लाइट भी जाने वाली है। आपको कैसे पता है लाइट जाने वाली? मुझे पता है ना, वो बंद करते हैं तो ये धुलाई हो जाए आपके। अभी लेकर जा रही हूँ, इसको धुलाई करूँगी, फिर तड़ा के ऊपर डाल दूंगी, फिर बाकी का काम जो पड़ा है वो करती रहूंगी। ये देखें जी, अभी पतीले वगैरह जो है वो आ चुके हैं जी नलके के अंदर। ये देखें, अभी ये पतीला सोच रहा है कि मेरी धुलाई जो है वो कब होगी। इधर कपड़ों की धुलाई जो है वो हो रही है। ये देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये मेरी वेस्टकोट धो ली, वेस्टकोट भी धुलाई हो गई है। पतीले के अंदर ना पानी डाल दो, फुल कर दे ना पतीला, फुल कर दे पानी का, फुल कर दे। मोबाइल मेरा गिल्ला करना है क्या? पानी ऊपर डाल रही है मोबाइल पर? नहीं डाल रही है, ऊपर आया ही नहीं पानी। आया है? ये बाद में धुलाई होती है ना साइडों पे, सिर्फ इसके अंदर गीला कर दूं ना तो फिर ये मट्टी लगी हुई है ना, ये गीली हो जाएगी तो फिर आसानी। पतीले के अंदर पानी आपने डाला नहीं है? ठीक है, जितना डाला है बहुत है, ये कम है। हाँ अभी सुखने घते रहे हैं, अभी ये जो खड़े हैं इसको उतारूंगी तो फिर दूसरे डालूंगी ऊपर। तो जी ये देखें, तीन कपड़े डाले थे इन्होंने, अभी जाके तीन और डाल दिया। भी ये छह कपड़े थे एक साथ डाल देती को? नहीं, आपके कपड़े जो थे ना वो ही डाले हैं ना, ये बस इनके कपड़े थे वही डाले कुछ, तो ये धुलाई हो गए तो फिर बाद में जो पड़े थे वही सब डाल दिए। माशाल्लाह जी ये देखें, पहले पहले मेरी वेस्ट को टांग दी, ये सब को टांगेगी अभी जी। जो भी धोए हैं सब को टांगेगी ऐसे, वो सारा मोबाइल के ऊपर पानी फेंक दिया। आप ऐसे छंटका लगाते हैं? और किस तरह लगाते हैं, ऐसे ही तो लगाते हैं। मोबाइल बंद कर देता हूँ फिर मैं, बंद कर दे फेंक दे मोबाइल के ऊपर, और छेकते मारो। सही है ना, अच्छी बात, अच्छी बात है। मोबाइल खराब हो जाएगा मैं आप चलूंगा फिर, मेरे पास कम से पैसे हैं जो मैं आपको दे दूंगी, जाओ न्यू मोबाइल ले कर आओ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। फिर मोबाइल के ऊपर पानी क्यों फेंक रही हो? आप जो मोबाइल साथ लेकर खड़े हो, पीछे हो जाओ थोड़ा। माशाल्लाह जी अभी जो है काम जो है कुछ रेडी हो चुका है, जैसे कपड़े वगैरह थे। अभी नादिया ने क्या करना है, झाड़ू वगैरह लगाना है फैन का। ये पानी जो है इतना लगा दिया, पता नहीं समझ नहीं आई मुझे, सर्दियों में इतना पानी क्यों लगा दिया।
सारा दिन बच्चे साइकिल चलाते हैं तो सारी मट्टी उन्होंने उखाड़ दी थी। तो अभी नहीं उखाड़ी, देखो सामने साइकिल चला के गया। जब झाड़ू लगाऊ तो सारी मट्टी होती है, झाड़ू लगता भी नहीं है और जो कचरा वगैरह है वो मट्टी के अंदर छुप जाता है, तो इस वजह से पानी लगा लिया कि झाड़ू तो आसानी से लगा। आपने पानी लगाया ऊपर से साइकिल चला दी? जी ये बेबो ने चलाई थी। अच्छा ये बर्तन वगैरह उधर ये नहीं रखे, आधे उधर नलके पे रख दिया, आधे इधर इधर रख दिए। जब होंगी तो इन्हें भी ले जाऊंगी, अभी झाड़ू लगाती हूँ। अच्छा झाड़ू लगाती हूँ, फिर बाहर का झाड़ू लगाती हूँ, फिर आखिरी बर्तन धो लूंगी। अभी कपड़ों का पोर तो एक खड़ा है ना मशीन में जी। अच्छा फिर झाड़ू की बारी आ गई है। हाँ जी। फिर आप कहेंगे कि झाड़ू लगा दो, मुझे दो, मैं लगा दूं? नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। फिर आप ना मुझे, आप सारा दिन कहती रहे नहीं लगाऊंगा, ना लगाओ। कल मैंने जो लगाया मुझे वो बहुत है। आपको क्या हुआ जो आपको बहुत लग रहा है? कुछ हुआ? इधर आपने मुझे लिटा के मरवाया झाड़ू? लिटा के मैंने कब लगवाया आपसे? फ्रेंड तो खुद लगा रही थी, आपने खुद कहा था कि आप पर नहीं, आप ऐसे कैमरा पकड़ो मैंने झाड़ू लगा दे। नहीं आप भी ऐसे लेट कर लगाती हो झाड़ू? नहीं जैसे मुझे लगवाया था। मैंने आपको नहीं कहा था कि आप ऐसे झाड़ू लगाओ, आपने खुद अपनी खुशी से लगाया था। अच्छा खुशी से कौन लगाता है जी? खुशी से आप भी नहीं लगाते? खुशी से आप वीडियो बहन भाई देख चुके होंगे क्योंकि आपने खुद कहा था आप कैमरा पकड़े मैंने झाड़ू लगा देता हूँ। खुशी से कोई भी नहीं लगाता। कैमरा मैंने जब पकड़ा तो आप झाड़ू लगाना शुरू कर दे, कभी इस तरह कभी उस तरह, तो आपको बड़ी खुशी हुई थी ना झाड़ू लगाने की, तो फिर सांस पे सांस आ रही थी आपको। सपेर से लगाते हैं ना, आप कितना ऐसे खेलते तो नहीं है? डेढ़ घंटा हो गया अभी खेल रही है ऐसे, फिर आपको कौन सी सांस चढ़नी है मटके को? आप तो कम हो गए ना, मटका तो मैं हूँ। हाँ इतना मोटी पली पड़ी है, काम तो आपको होता नहीं है इसलिए आप पली पड़ी हैं सारा दिन वेली खा कर। आपने सुन लिया, इस वजह से पहले थोड़ा मैंने काम काज किए हैं, थोड़ा मैंने पूरे डंगरों के 15-20 डंगर जो आपने पाल के रखे हुए थे वो कौन का? वो 15-20 कहाँ से आए थे जी? आपने लिए थे? दो डंगर थे, एक उसका दूध भी आपके, उसके दूध भी आप पीते थे? मैं कौन सा पीता था दूध? एक बैल और दूसरा 3 गाय और 2 उनके बछड़े और 5 बकरियां और 5 बकरियों के बच्चे, आप गिने ये कितने हो जाते हैं? ये सारे मैंने किए, पूरी जिंदगी मेरी गुजर गई इस माल मवेशी में। आप तो घर होते नहीं थे, घर का जो घास हमारा पड़ा हुआ था वो काटती थी, वो काट के फिर अकेली टोका लगाती थी, पीछे से चारा भी डालती थी और आगे से मशीन घुमाती भी थी मैं। अच्छा जी, तो फिर मैं डंगरों को डालती थी, ये सारा काम मैंने किया है। आपने अभी आप कर रहे थे, अभी आपने सुन ली है, बहन भाइयों ने हमारी सपोर्ट की है, हम ना माशाल्लाह से अभी घर बैठ गई हूँ, घर का काम वगैरह करती हूँ। अच्छा, तो आप कहती हो मोटी हो गए, जो पहले वाली मेरी यानी के हालत थी ना वो मेरे बहन भाई देखते ना वो कहते कि ये नादिया है ही नहीं, मेरी पहले वाली पिक्चर नहीं है, वरना मैं बहन भाइयों को दिखा देती कि मेरी पहले कब कैसी हालत थी और अब कैसी हालत है। ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा तो करती हूँ हर टाइम, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैं ना इज्जत से सुकून से घर बैठ गई हूँ और सूखी रोटी जो है मैं खा रही हूँ। एक, एक एक दो दो दिन प्यारे बहन भाइयों हमारे घर में साला नहीं बनता था, मच्छू से बच्चे रोटी खाते थे और मैं भी मच्छू से खाती थी। आपका भाई जो है ये मिलों में फैक्ट्री में या वहाँ काम करता फिरता था, इसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं होती, कमाते तो थे लेकिन तनख्वाह ज्यादा नहीं होती थी, 12,000-15,000 तनख्वाह भेजते थे, तो ये ना चारा घास जो है उनको पानी लगाना है, घास की खाद लेनी है, बिजलियों के बिल भरने हैं, बच्चे बीमार हो जाए वो करना है, तो एक माह के बाद जो है वो तनख्वाह भेजते थे, वो हमने कर्ज उठाया हुआ था तो वो कर्ज दे देते थे, तो फिर हम दोबारा से मर्चों से रोटी खाना शुरू कर देते थे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह के शुक्र जितना भी शुक्र अदा करो ना अल्लाह पाक का उतना कम है। तो
अभी जो है अब जाके मुझे सुकून आया है जिंदगी में। मैंने तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है। मैं तो आपके साथ था। आपको पता है ना? नहीं, मैं तो आपके साथ नहीं था क्या? अभी आप बार बार मुझे ये बातें सुनाते हो कि मोटी हो, बड़ी हो, ये करती हो, वो करती हो। पहले मेरी पहली पिछले जो मेरे काम काज है वो तो आप चेक करें कि मैं कितने कर कर आई हूँ। मैं नहीं करता, मैं सोया रहा। आप तो करते रहे हो ना, लेकिन आप तो एक अकेली औरत बैलगाड़ी चलाकर मैं खुद जाती थी चारा लेने के लिए। वो तो बैलगाड़ी, इसलिए तो आपको बैलगाड़ी लेकर दी थी ना, भी सार पे ना उठाए, बैलगाड़ी पे ले आए। और आपको पीटर लगा कर दिया था मशीन पे। पीटर कहाँ लगा पीटर आप? जब पूरी फैमिली वहीं पर थी ना तब हमारा पीटर था। जब ये सब अम्मी वाले और मुखलिस भाई और असलम भाई ये सब यहाँ पर आ गए थे ना, हम अकेले वहीं पर थे, आपको पता होगा। तो फिर वहाँ कब पीटर था हमारा, हाथ पे चलाती थी, हाथ पे। चलो हाथ पे चलाते थी। अभी अभी जो है झाड़ू लगा ले, क्योंकि टाइम जो है ना काफी अपना टाइम जो है ना काफी लेट हो जाएगा, तो आप झाड़ू लगा ले। फिर आप मेरी बात सुने, आप बार बार ये कहते हैं ना कि आप कुछ नहीं करती। मैं बहन भाइयों को बता रही हूँ कि मैं कितने मुश्किलात और हालात से गुजर कर मैं यहाँ पर आई हूँ। अभी अल्लाह पाक ने मेरी सुनी है, तो आप बार बार मुझे ये ताना क्यों देते हो? मोटी वाला जी, मोटी हुई है तो मैं कह रहा हूँ ना, मोटी है जी, खाती पीती हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर इसमें गुस्सा करने की कौन सी बात है? गुस्सा नहीं कर रही मैं आपको, वैसे बता रही हूँ। गुस्सा कर रही है आपको तो पता है ना, मैं अपने बहन भाइयों को बता रही हूँ कि मैंने ना कितने काम की है। और तो मुझे क्यों कह रही है कि मोटी मोटी ना कहो? आप जो कहते हो ना मोटी, तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, आपको गुस्सा आता है जब आप कहते हो मुझे? वो तो नहीं, मुझे जो काम होते हैं बाहर के मैं नहीं करने जाता आप क्या? तो करके आते हो। फिर आप क्यों कह रही है कि सारा दिन जो है आप पलंग पे बैठ रहे थे? सारा दिन पलंग पे बैठ रहे थे? कभी कभार आपका काम होता है, क्या रोज का काम होता है बाहर का? रोज होता है। हाँ तो जी, इस कमरे का झाड़ू जो है वो भी नादिया लगा लिया है, इस कमरे में भी झाड़ू लगा दिया है। अभी बाहर का झाड़ू जो है वो माशाल्लाह, ये साइकिल इधर एक साइड पे खड़े कर दी, और बाहर का झाड़ू जो है वो अभी लगा रही है। इधर एक मिनट, ये क्या हुआ? ये ना ट्री सोचे की ना ये तार काटी पड़ी है दोनों साइडों से, ये देखे ये कैसे कट गई? आपस में टच होगी तो आग लग जाएगी। नहीं, ये कट कैसे गई? अभी मैंने देखा है कि ये देखे दोनों एक जगह पर। अभी धुलाई हो गए कपड़े? नहीं, अभी तो थोड़े पड़े है ना। नहीं, मशीन तो बंद है। मशीन बंद है, चाबी खत्म हो गई थी। तो आप ऐसा करें ना, मैं ये सूच निकाल लेती हूँ, तो इसको एक साइड पे लगा दें। जब मैं ये कपड़े निकाल लूंगी, धुलाई कर लूंगी, तो फिर इनको ना आप बना कर फिर मुझे देना। ये देखे ना, ये तारे जो है ना इसकी, ये नंगी हो गई हैं। ये देखें, ये आपको नजर आ रही होंगी दोनों एक साथ ही। ये देखें, तो ये देखें, इसका बहुत खतरनाक काम है। आप ऐसे करें ना, आप ऐसे करें, ये स्विच वगैरह निकाल दें अभी जी। दोनों उधर से स्विच भी निकाल दें, मैं पेचकस लेके इसको, ये काटनी पड़ेगी इधर तारे जी। पहले पीछे स्विच निकाल लेना, तो ये तारे जो है ना दोनों जो है दोबारा से लगानी पड़ेंगी जी। आप ऐसा करें कि बना दें अभी, क्योंकि बच्चे ये पेचकस वगैरह जो है ना, छोटा पेचकस मुझे, टेस्टर वगैरह चाहिए। टेस्टर आपके पास है? टेस्टर पता नहीं, टेस्टर हो तो फिर वो जो है ना मुझे दे दे, अभी बना लेते हैं। क्योंकि ये ऐसे ही ना, ये मेरे हिसाब से ना ये वट खाते खाते ना ऐसे टूट गई हैं, तो ये जो है ना ये खतरनाक काम है। ये देखें, ऐसे जब खींचती है ना, तो इसको बनाते हैं जी थ्री स्विच को, क्योंकि ये जो है ना खतरनाक हो गया है। इसमें कौन सा लगेगा? पेचकस मैं देखता हूँ, जो भी लगेगा टेस्टर लगेगा। ये टेस्टर तो कहाँ पर इसका ही है? ये इधर तार है ना ऊपर, ये ऊपर से निकल जाएगी, फिर नीचे जो है इसके नट होंगे, ये लगे हुए हैं। ये नट खोल के तारे निकाल के इधर काट के दोबारा से न्यू करके लगानी पड़ेगी। ओके ओके, तो मैं ढूंढ कर आपको देती हूँ ना, आप इसे बना ले। सही हो गया। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। नादिया ने जो है मुकम्मल कहानी अपनी सुना दी जी, बिल्कुल। ये बहुत बेहोश हुई पड़ी थी और इसको अभी जो है सुकून मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय 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 बाय।